क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार मेहता। यह जो घटना हुई है यह कैसे क्या है, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। देखिए, यह जो घटना हुई है यह पूर्व से बहुत लंबी समय से घटना हो रही है। जो अभी विमल कुमार का मृत हुआ है, इसका छोटा भाई था गब्बू सरपंच, जो हमारे बेलसरा के पंचायत के सबसे कम उम्र का सरपंच थे। युवा सरपंच थे, और युवा का काम तो आप देखबे करते हैं कि तुरंत जुनून से करना। तो गांव में जो बच्चे सब कुछ गलत नीति से काम कर रहे थे उसको ये दंडित किए, गब्बू सरपंच द्वारा दंडित किया गया कि बाबू ऐसे गाँव में नहीं करो, इसमें हमारी गाँव की पंचायत की बदनामी होती है, इसलिए तुम लोग उसको दंडित किया गया पंचायती के तहत। जिसको दंडित किया गया उसको ये बात रास नहीं आया। उसी में जो गब्बू सरपंच के भी कुछ विरोधी हो जाते हैं, उस आदमी को बोला कि तुमको ऐसा किया तो तुम इसको देखते क्या हो, इसी को खत्म कर दो। साजिश वहीं से शुरू हुआ है, पंचायती से। समाज कल्याण के लिए गब्बू सरपंच ने पंचायती द्वारा उसको सोचा कि बच्चा इसको दंडित कर दें तो हमारी पंचायत की सुरक्षा रहेगी। अच्छे समाज के लिए किया गया, लेकिन उसको क्या पता था कि हम अच्छे करेंगे तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। तो वो अच्छे के लिए उसको दंडित किए, पंचायत के तहत किए, अपने से नहीं किए। जैसे 10 आदमी बैठे, 10 आदमी के बीच में जो निर्णय आया उस हिसाब से उसको दंडित किया गया। और उसको जैसे दंडित किया गया तो उस हमरे ही पंचायत के कुछ लोग को रास नहीं आया। वो उस दंडित को बोला कि तुमको ऐसे कर दिया पंचायत में, बस वो बोला कुछ जैसे बोला कि इसको हम वहाँ हॉस्पिटल में, वो पहले वहाँ मीडिया के सामने बोला था, अनमोल आनंद के सामने बोला था, हम अपने भाई का बदला 24 घंटा के अंदर में लेंगे। उदंड व्यक्ति, हाँ, जो जिसको पिटाई किया गया था सरपंच के था, वो हॉस्पिटल में बोले थे उस समय। हम चैलेंज, हाँ, चैलेंज किए थे, रानीगंज रेफरल में चैलेंज किए थे। उस समय हम लोग भी अपना पेशेंट को लेके गए थे और वहीं वह आप भी वहाँ मौजूद थे। और वहीं समय वो बोला कि जैसे जिस तरह मेरे भाई को दंडित किया गया है ना, हम 24 घंटा में बदला लेंगे। तो 24 घंटा में वो बदला ले ही लिया, और 24 घंटा में उसको 24 से 48 घंटा में वो बदला ले लिया, जो बोला कर दिखाया जी। हाँ, वहाँ जैसे हॉस्पिटल में उसका भाई हॉस्पिटलाइज हुआ तो वो वहीं का कसम खा के बोला था कि जिस तरह मेरे भाई को किया गया हम उसका बदला लेके रहेंगे। तो वो बदला ले लिया। उसके बाद यह केस ट्रायल में होने लगा। फिर विमल जी उसमें बहुत से गवाही उसको बोला कि अगर गवाही दोगे तो मार देंगे। तो कुछ लोग अपना जान बचाने के लिए गवाही देना से नहीं अथी कर लिया कि जब गब्बू सरपंच का इतना नाल चलता था उसको जब खत्म कर सकता है तो बाबू हम लोग आम आदमी है। तो बहुत आदमी डर गए, अपने जान बचाने के लिए डर गए। उसके बाद जो विमल जी मेरा भाई भी है और एक पत्रकार भी है, इसको दो रोल आ गया। एक इसका भाई खून का रिश्ता, दूसरा ये आ गया कि हम कलम से पत्रकार हैं, हम सच्चाई लिखेंगे तो लिखेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हम सच्चाई आवाज़ को छोड़ेंगे नहीं। उसी का रास ये दशा जो हुआ है, उसी के चलते ये दशा हुआ, उसी से अटैच ये कहानी हुआ। अच्छा, ये जो पत्रकार वो सरपंच साहब की मौत हो जाती है, यह कितना दिन पहले का घटना? ये देखिए 3-4 साल पहले। हाँ, आप सोच सकते हैं सर जी, आज से 3-4 वर्ष पहले एक सच्चे समाज सेवी जो सरपंच थे और समाज के लिए अच्छे हित के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, और उसकी जब मौत हो जाती, उसको मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है, तो भैया उसको भी न्याय नहीं मिल पाता है। और आज 3-4 वर्ष हो गया है, जब उसको न्याय मिल जाता, उसके अपराधी को दंड मिल गया रहता, इतना लेट नहीं होता तो शायद यह दूसरा अंजाम नहीं होता। जैसे कि बिल्कुल सत्य है, विमल बाबू जो थे एक कॉल करते थे, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, जब रानीगंज आते थे कहीं अगर दिक्कत हो जाए किसी भी स्थिति में, विमल भैया थोड़ा आइए, तुरंत आके खड़ा हो जाते थे और उसको समझाते थे कि घूस नहीं लो, ये नहीं करो, काम करो, अच्छा ढंग से करो, और हर वक्त तत्पर रहते थे। हम लोग महीना में 15 दिन रानीगंज जेबे करते हैं, स्वास्थ्य विभाग से हैं, आशा फैसिलिटर। अच्छा, यह जो दूसरी घटना तुरंत हो जाती है 3 वर्ष के बाद, भाई को जाने के बाद दूसरा भाई इस घर का दो ही चिराग और दोनों बुझ जाता है, यह दूसरा जो हुआ ये कैसे हुआ? दूसरा उसी के लिए कि अगर यह सर्प विमल जी जिंदा रहेंगे तो गवाही देंगे, अगर यह गवाही देंगे तो हम लोग को सजा दिलवा देंगे, सजा हो जाएगा। तो अपने सजा को बचाने के लिए ना रहेगी, फिल्मी स्टाइल में नहीं होता है, ना बजेगी बांसुरी, इसीलिए कि ना क्या कहते हैं ये अहमद वाला अहमद जी गवाही को ही मारते थे जी। उसी तरह बिहार में हो गया, जो कि गवाह को ही खत्म करो, केस खत्म। कहीं ना कहीं यहाँ जो बिहार सरकार की जो कानून व्यवस्था है यह लाजमी है,
ये लचर है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जोगी मॉडल होना चाहिए। अतीक अहमद को पताल में भेज दिया। अतीक अहमद क्या करते थे, गवाह को ही मार देते थे, नहीं रहेगा नहीं गवाही होगा जी। उसी तरह यहाँ हो गया। आज जो है सरपंच साहब का मर्डर लगभग 3-4 वर्ष पहले हुआ है, 3-4 वर्ष 19 में हुआ है। 19 के बाद यह 23 है, लेकिन अभी तक उसको जो है न्याय नहीं मिल पाया। और उसी के दौरान दूसरा भाई भी चले जाता, जब उसको न्याय मिल जाता तो आज यह क्या घटना होती है? नहीं होता, यह नहीं होता, नहीं होता। क्या यह कानून व्यवस्था की? यह बेलसरा का दूसरा मर्डर है। 22/5/2023 को उपेंद्र शर्मा की बेलसरा कोर्ट में हत्या हो जाती है 8 बजे रात को, जो की पुलिस प्रशासन अभी तक उसका कोई गुत्थी नहीं सुलझा पाया है। नहीं, और आज से 20 रोज पहले यहीं से बेलसरा हटिया से एक रेहड़ी पटरी वाला बिल्कुल गरीब आदमी है, उसको 850 रुपया साथ में था, छोटा मोबाइल था, रास्ता में चाकू मार के ले लिया। आज कहिए, आज जो दिन प्रतिदिन पर डे ऐसा ऐसा घटना पूरे बिहार में देखने को मिलता है, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, यह तो कह रहे हैं जो कि जंगल राज 2 वो आ गया है बिहार में। जंगल राज 2 इसे मान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई शक ही नहीं है। इस प्रकार की उपेंद्र शर्मा का अभी तक 3 महीना होने वाला है, कोई अज्ञात का नाम दिया, किसी का को अभी पकड़ दकर हो ही नहीं पाया है। इस घटना को देखते हुए आप बिहार सरकार से क्या कहिएगा, यहाँ का प्रशासन से क्या कहिएगा? देखिए, प्रशासन तो बिहार सरकार पर चलती है। बिहार सरकार कहेगा कि ठोक दो तो ठोक देगा, बिहार सरकार ऑर्डर करेगा तब ठोकेगा वो। बिल्कुल, तो सरकार की दोहरी नीति न है ये। यहाँ कहीं ना कहीं खाकी वर्दी मिट रहा है। हाँ, खाकी वर्दी को मिटा रहे हैं, जबकि भट्टी जैसा मेरे बिहार में आए हैं उसको हथियार दे दिया, गोली दिया ही नहीं, तो चलेगा कैसे? बिल्कुल, तो सोचने वाली बात है सर जी। आज जो है यहाँ अच्छे समाज से भी एक सरपंच, और उसकी आज से लगभग 3-4 वर्ष पहले मौत हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन उस पर भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ था। वो उसके दूसरा एक फिर उसका दूसरा चिराग जो था, दूसरा भाई जो था, वो भी बुझ गया, इसलिए कि उसको जो है कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाया। और वो अपना जो क्या कहते हैं, अपना जो है सजा को छिपाने के लिए इसका भी मर्डर कर देता है। कहीं ना कहीं यह गलत है, और इस प्रकार की घटना हमारे समाज में आए दिन होती रहती है इस बिहार में। इसलिए भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छा समाज से भी है ना कोई, अच्छा समाज से भी है ना कोई, तो समाज सेवा नहीं कर पाता है। इसी वजह से आज जो अच्छे समाज से भी हैं, समाज में अच्छा कार्य करते हैं, चाहे पत्रकारिता से हो या कोई प्रतिनिधि बन के हो, जब अच्छा कार्य करते हैं ना तो उसका खुलेआम मर्डर होता है। क्यों होता है? और आज नहीं, आज से पहले नहीं, सब दिन ऐसे ही हो रहा है, लगातार ऐसे हो रहा है। क्या बिहार सरकार सोए हुए हैं? क्या उसकी नींद नहीं खुल रही है? क्यों नींद नहीं खुल रही? अंधा है सरकार, है अंधा सरकार है। क्यों आप अंधा कह रहे हैं? बिहार सरकार तो पूरा चैलेंज ठोकते हैं, चैलेंज ठोकते हैं। कहाँ है कानून? कह रहे हैं कि दिन रात में जो है 12 बजे रातों में महिला चलती है तो कुछ नहीं होता है। कुछ कैसे नहीं होता है? प्रतिनिधि दिन तो ऐसे होता रहा है। तो वही ना कह रहे हैं कि जब यहाँ प्रतिनिधि, एक पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार को माना जाता है, वो